खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा, सीहोर जिले की आष्टा जनपद क्षेत्र की सभी 134 ग्राम पंचायतों को ई पंचायत बनाने के लिए शासन ने लाखों रुपए खर्च किए। वहीं ई पंचायत के लिए आए कंप्यूटर एलसीडी तक सरपंच सचिव अपने घर ले गए। ई पंचायत योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से कंप्यूटर सिस्टम एलसीडी दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में यह सिस्टम कई ग्राम पंचायतों से गायब है। सालों हो गए पंचायत बने, बिजली तक नहीं और पंचायत का पानी का टैंकर भी दूसरी पंचायत के निर्माणाधीन मकान के पास महीनों से खड़ा होने की भी बात सामने आई है। सोचने वाली बात तो यह है, शंभूखेड़ी पंचायत का टैंकर क्यों खड़ा है बूंदीखेड़ी पंचायत क्षेत्र में, जहां पर एक मकान का निर्माण भी चल रहा है। आष्टा जनपद पंचायत के अंतर्गत शंभूखेड़ी ग्राम पंचायत के हालात इतने बदतर हैं कि पंचायत भवन को बने सालों बीत गए, लेकिन पंचायत भवन में बिजली तक नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि इस हाईटेक समय बिना बिजली के कैसे काम होता होगा। वहीं एलसीडी कंप्यूटर सिस्टम पंचायत भवन से गायब दिखे। सचिव का कहना है कि वहीं कंप्यूटर सिस्टम एलसीडी सरपंच अपने घर ले गए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि पंचायत का लाभ आमजन को किस तरह से मिल रहा होगा। वहीं शासन के दिए हुए उपकरण पंचायत सरपंच सचिवों के घर लगे होने से भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है और ग्रामीण भी सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस संबंध में जनपद पंचायत के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। कागजों पर निर्माण कर लाखों का भ्रष्टाचार बंद रहती है पंचायत, ग्रामीण होते हैं परेशान। वहीं शंभूखेड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन में ताले ही लगे पड़े मिलते हैं। अधिकतर समय पंचायत भवन बंद ही मिलता है, जिसके कारण मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई में भी ग्राम पंचायत में कोई शिकायत का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सरपंच सचिव ने कागजों में निर्माण कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसकी उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। सरपंच सचिव के घर रखे कंप्यूटर एलसीडी और कुछ पंचायत में तो चोरी की भी सूचना मिली है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों को ई पंचायत बनाने और यहां होने वाले काम को ऑनलाइन और पारदर्शी बनने की सोच से शासन द्वारा लाखों की लागत से पंचायत को मॉनिटर, सीपीयू, इन्वर्टर, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी डिवाइस, बड़ी एलसीडी टीवी, इंटरनेट सेटअप सहित अन्य सामान दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पंचायत कार्य कंप्यूटर से नहीं हो रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पंचायत में कंप्यूटर पर काम के लिए ज़रूरी इंटरनेट सेवा ना होने के कारण कई पंचायतों के कंप्यूटर एलसीडी को सरपंच सचिव ने अपने घर में रख लिया है और दर्जन भर से अधिक पंचायत में चोरी की भी सूचना मिली है। वहीं जानकारी के अनुसार कुछ पंचायत में कंप्यूटर सिस्टम नहीं होने की इस स्थिति में ग्रामीणों को छोटे छोटे काम के लिए सीधे जनपद कार्यालय आना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जनपद या जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुँचकर जाँच नहीं की जा रही है। अच्छा, कोई सुने ही नहीं हमारे सरपंच से, सेक्रेटरी सुनवाई नहीं करते नहीं है, कोई भी नहीं सुने। इस पंचायत में देख रहे हैं, ये पंचायत को कितना समय बना हो गया इसको? एक है हुईगा, चार साल से भी ऊपर हुईगा। एक है चार से, तो इसमें लाइट वगैरह भी नहीं है, कहीं भी है ही नहीं। ये तो सब बेच का खाईगा, ये टीवी है सारी कुर्सी उड़सी सब घर घर लाई ली ली जाएगा धल्ली ने, एलसीडी नहीं सारी ली जाएगी धल्ली ने। लगी थी वो एलसीडी कहाँ पर है? एलसीडी वो तो यहाँ कोई रहता नहीं रात, इसलिए वो सरपंच साहब ले गए। सरपंच साहब के घर पर है ना? और सर, आपके पंचायत में लाइट है कि नहीं, बिजली है कि नहीं? बिजली का आवेदन दिया है, अभी लगी नहीं है इसमें। कितना समय हो गया आपके पंचायत को बने हुए? पंचायत को बने हुए शायद दो तीन साल हो गए। तीन साल में आपके यहाँ बिजली नहीं है जी? तो कैसे बैठते हैं आप, कैसे बैठते हैं आप बिना बिजली के? बिना बिजली के वैसे बैठते हैं जैसे बैठते हैं। अच्छा, अभी तक लाइट। अच्छा, जो प्रकरण वगैरह आते हैं आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ, तो कैसे क्या करते होंगे? ऑनलाइन होता है। और सहायक रोजगार भी नहीं है? सहायक रोजगार कहाँ पर है वो आज थोड़ा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज सिंह मेवाड़ा। कौन से गांव रहते हैं? ग्राम मुंडला रहता हूँ। मुंडला में हमें जानकारी मिली कि आपने आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ सर, मैंने जी सर मैंने आवेदन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को सीओर। हमारे यहाँ पे क्या है कि तीन चार डीपीआर थी सीसी सड़क की, उसमें से इन लोगों ने पैसे निकाल लिए। पुराना जो रोड था उसी के ऊपर वैल्यूएशन करके उसमें जाँच में तोमर साहब आए थे आष्टा से ही साहब, उनके द्वारा जाँच में पूरा मामला रफा दफा करके और कोई कार्य नहीं किया गया। और एक डीपीआर तो ऐसी है कि जिसके ऊपर भी कुछ भी नहीं किया गया और उसके भी पैसे निकाल लिए गए हैं। करीब ये 5-6 लाख का मामला है।
कब का मामला है पूरा ये? करीब सर 2017 से अभी तक चलता आ रहा है, बाकी कोई निराकरण नहीं हुआ है क्योंकि सब लिपा छापी कर रहे हैं आष्टे के सारे अधिकारी। ये पैसे किसने निकाल लिए, किसने क्या? ये सचिव है दलीप सिंह मेवाड़ा लोरास वाला। उसके शिकायत आपने कहां से कहां तक की? इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय को भी करी, इसके बाद जिला पंचायत महोदय ने इसका आर्डर करा था जांच में, तोमर साहब ने लिपा छापी करके तोमर साहब ने इस मामले को दबाया है। दूसरा इसके बाद में सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, उसकी भी जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है, वो उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या कागजों पर निर्माण कार्य है और राशि निकाली गई है? कागजों पर निर्माण कार्य है, बैंक से राशि निकल चुकी है, उसके सारे दस्तावेज भी है मेरे पास में, उसके बिलों की फोटोकॉपी भी है। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।